अजय, गोल्ड सिल्वर पर क्या व्यू रहेगा? बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड हम यहाँ पर देख रहे हैं, 50-800 के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है, सिल्वर 60,345 के लेवल्स पर है। बेस मेटल्स में जो करेक्शन आती है उसका थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हम सिल्वर पर ज्यादा देखते हैं, बट दोनों ही रेंज में है, क्या सजेशंस हैं दोनों पर? बिल्कुल, फेड की मीट के बाद हमने देखा था कि प्राइजेस में एक अच्छा उछाल आया था, बट 1850 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट 5100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस कंसोलिडेशन में रहेगा, जो इंटरनेशनल में 1800-1850 का एक $50 का रेंज है, इसी में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नो डाउट डॉलर इंडेक्स में थोड़ा पुलबैक जरूर है, बट कहीं भी कोई बड़ा ट्रिगर्स नहीं दिख पा रहा है जो गोल्ड को 1850 के ऊपर ले जाए। तो अनलेस एंड अंटिल 5100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, MCX पे भी गोल्ड मुझे लगता है 50,400 से लेकर 51,000 के बीच में ट्रेड करेगा। सेल ऑन रैली अगले एक दो सेशन के लिए रख सकते हैं, बट कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं दिख रहा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी $22 के ऊपर या 62,500 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट पे सस्टेन नहीं कर पा रही। ऐसा कोई सिनेरियो भी नहीं है कि बहुत ही बड़ा फॉल जैसा सिचुएशन है, बट मुझे लगता है 59,600-59,800 तक का सपोर्ट चांदी में और 50,200 तक 200-300 का सपोर्ट गोल्ड में देखने मिलेगा। आज और कल थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी।